अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, वेलकम टू ई नॉन स्टॉप लर्निंग पोर्टल। आपको याद होगा कि हमने एक रिज़ल्ट शीट कंप्लीट हमने तैयार की थी। आज हम इसमें से एडवांस फिल्टर की मदद से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके हम शो करना देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें इस बात को कि हम डाटा को हम किस तरह शो करवाना चाहते हैं, देखिए हम एक डेटाबेस हमने बनाया, हमारे जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड था, हमारे जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड था, हमें प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ पास स्टूडेंट्स का मुझे रिज़ल्ट निकाल के दें, ठीक है। सिर्फ हमें रिज़ल्ट शो होना चाहिए जो स्टूडेंट पास हो। अब मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ, फ़िल्टर लगा के ये कहते हैं मैं डाटा पास स्टूडेंट को मैं शो करवा सकता हूँ, लेकिन वो डाटा प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि वो प्रिंट में प्रॉब्लम करेगा, प्रिंट में प्रॉब्लम ना आए या क्या कहते हैं हमारे डेटाबेस में प्रॉब्लम ना आए, तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको एक अलग जगह पर प्रिंट करवाने के लिए हम शो करवाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने अपने जो भी रिकॉर्ड है उसके अंदर हमने किसी भी सेल के अंदर क्लिक किया, डाटा पे जाते हैं, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जाना है और अपने टेबल के जो एरिया उसको हमने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले मैंने इसके एरिया को मैंने सेलेक्ट करता हूँ कि मैं कितना एरिया शो करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, मैं किसी और जगह पर इसको शो करवाना चाह रहा हूँ। स्टेटस मेरा क्या है, तो मैं स्टेटस देखना चाह रहा हूँ, स्टेटस के जो कॉलम था उसके अंदर मैं पास जो स्टूडेंट है उसके रिकॉर्ड को मैं देखना चाह रहा हूँ। और इसके बाद ये कहते हैं मैं यहाँ पे कहाँ पे डाटा को शो करवाना चाहता हूँ उस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं ओके करता हूँ। ओके किया, जैसे ही मैं ओके का बटन प्रेस करता हूँ ये देखिएगा कि पूरे रिकॉर्ड में से सिर्फ जो स्टेटस जिन लोगों का स्टेटस पास था वो उन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। और अभी इसी फॉर्म को मैं क्लिक आपका प्रिंट दे सकता हूँ। इसकी एक और भी रीज़न है कि अगर मैंने अपनी फ़ाइल किसी से शेयर करनी है, अगर मैं अपनी रियल फाइल शेयर करूँगा तो उसमें जो भी फार्मूलाज मेरे लगे हुए हैं वो मुझे उनसे शेयर करने पड़ेंगे और वो ये देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से ये फ़ाइल बनाई हुई है। लेकिन अगर क्या कहते हैं हम यहाँ पे इनको अगर देखना चाहें तो ये देखेंगे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं, इससे हमारा कभी भी फार्मूला किसी से शेयर नहीं होता। तो इसीलिए हम एडवांस फिल्टर की ऑप्शन से हम अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं और हम शेयर भी कर लेते हैं ईजीली, क्योंकि हमें ये आइडिया होता है कि जो भी हमने डाटा शेयर किए करने जा रहे हैं उसका जो भी फार्मूलेशन है वो किसी को शो नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा से अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नीचे ड्रैग करता हूँ, यहाँ से राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये तमाम डाटा हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मैंने डाटा के बीच में अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया में फेल शो कर देता हूँ, लिखता हूँ फेल, ठीक है। डेटाबेस पे क्लिक किया, डाटा मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, क्राइटेरिया मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है और मैं यहाँ पर अपने डाटा को शो करवाना चाह रहा हूँ और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पूरे डाटा में से जो जो स्टूडेंट्स फेल हैं उनका रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होकर हमारे सामने आ गया।